आज हम आपको ग्रामर में डिटरमिनेंट्स है वो पढ़ेंगे। डिटरमिनेंट्स क्या होता है, डिटरमिनेंट्स की डेफिनेशन देखिए। डिटरमिनेंट्स वे शब्द हैं जो किसी नाउन के पहले आते हैं और उसका अर्थ सुनिश्चित करते हैं। नाउन को नाउन का जो अर्थ सुनिश्चित करने के लिए जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं, जिन अक्षरों का हम उपयोग करते हैं, उनको हम डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। डिटरमिनेंट्स तथा नाउन के बीच में कोई ना कोई क्वालिफाइड वर्ड भी आ सकता है। और जैसे मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल में ए बॉय ए गुड गर्ल, ए बॉय ए में ए बॉय में ए हमारा क्या हो गया, डिटरमिनेंट हो गया। और ए गुड और बॉय क्या हो गया, हमारा बॉय नाउन हो गया। और इधर देखिए ए गुड गर्ल, गुड गर्ल में यहाँ हमने गुड जो शब्द लिखा है ये एक क्वालिफाइड वर्ड है जो कि गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। तो एक हो गया यहाँ पर हमारा डिटरमिनर, गुड हो गया यहाँ पर क्वालिफाई वर्ड और गर्ल हो गया नाउन। तो ए गुड गर्ल, इस तरीके से दो एग्जांपल हमने लिखे हैं। डिटरमिनर्स के कितने प्रकार के डिटरमिनर्स होते हैं, काइंड ऑफ डिटरमिनर्स, देयर आर सिक्स काइंड ऑफ डिटरमिनर्स। There are six kind of determinants. तो six kinds of determinants हैं। उसमें पहला है आर्टिकल। पहला determinant है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल में ए एन और द तीनों आर्टिकल का प्रयोग हमारा determinants के रूप में होता है। दूसरा है demonstratives। demonstratives में हमारा this आता है, that आता है, they आता है, दो जाता है। तो दिस और दैट का प्रयोग हम यह और वह के लिए करते हैं, मतलब जिसका प्रयोग पास की चीज के लिए और दैट का प्रयोग दूर की चीज के लिए। जिसका प्रयोग पास में यह जो चीज लिखी है किसी भी नाउन के साथ किया जा सकता है और दैट का प्रयोग वह के लिए हम किसी भी नाउन के रूप में कर सकते हैं। ऐसे दीज और दोज का प्रयोग भी हम डिटरमिनेंट्स के रूप में करते हैं। दोज का प्रयोग दूर के लिए और दीज का प्रयोग पास के लिए। तो ये हमारे बहुवचन में काम आते हैं और ये हमारे दोनों एकवचन में काम आते हैं। इधर देखिए पजेसिव, तीसरा क्या है हमारा डिटरमिनेंट, पजेसिव। पजेसिव में माई आवर योर हिज हर देयर इट्स, ये सब हमारे पजेसिव में आते हैं। माई का प्रयोग मेरे के लिए होता है, आवर का प्रयोग हमारे के लिए होता है, योर का प्रयोग तुम्हारे के लिए होता है, His मानी उसका, हर मानी उसकी, their मानी उनका, its मानी निर्जीव चीज होती है उनके लिए, हम its का प्रयोग करते हैं उसका के लिए। इस तरीके से आगे है हमारा क्वालिफायर्स। चौथा क्या है हमारा क्वालिफायर्स। क्वालिफायर्स में a few, a little, much, many, a lot of, most, some, any और enough, ये सब हमारे क्वालिफाइड डिटरमिनर्स है। फिर इधर देखिए आगे है नंबर्स। नंबर्स में 1, 10, 30, सम, एनी, मेनी, ए फ्यू, आर, सेवर, ईच, एवरी, ये सब हमारे क्वालिफायर, ये हमारे नंबर्स हैं। और इसके अलावा और भी कोई नंबर्स होंगे तो वह सब हमारे नंबर्स वाले डिटरमिनर्स में आते हैं। आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में आर, बॉथ, ये सब हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव वाले डिटरमिनर्स में आते हैं। इस तरीके से हमारे छह प्रकार के डिटरमिनर्स होते हैं। इनका जो वर्णन है, इनका जो एक एक करके जो हम आगे बताएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे आर्टिकल्स का जो विवरण है वो हम आपको अगले लड़ने में बताएंगे। आर्टिकल्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक आर्टिकल में तो ए और एन का प्रयोग होता है और दूसरे आर्टिकल में द का प्रयोग होता है। तो ए और एन और जो आर्टिकल होते हैं वह हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। ए और एन हमारे
इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। इस तरीके से दो प्रकार के आर्टिकल हमारे होते हैं। डेफिनेट जो आर्टिकल है ए और एन, उसका यूज हम अगले टर्म पे करेंगे और उसके बाद हम इंडेफिनिट आर्टिकल आपको पढ़ाएंगे। इस तरीके से आज आपको ये पूरा काम एक नई कॉपी बना करके ग्रामर की जो कॉपी है उसके अंदर आपको इसको करना है।